हेलो एवरीवन, हम लोग आज स्टडी करेंगे कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल मास, जो थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक्स है। ठीक है, तो कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास, तो देखते हैं कि मास क्या होती है। पहले कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल मास, तो मास क्या होती है। मास ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर इज नोन एज मास। ये सिंपल है, मास। ठीक है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर इज नॉन एज मास। ठीक है, जो फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है उसी को हम लोग मास कहते हैं, और कंट्रोल मास जिस पर हम लोग मतलब फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग कंट्रोल मास करते हैं। एंड वी फोकस ऑन फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मास, जिस पे हम लोग फोकस करते हैं। एंड वी फोकस्ड ऑन फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मास एंड वी फोकस्ड ऑन फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मास इज कॉल्ड कंट्रोल मास। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसके यूनिट जो होता है ये होता है केजी। इसका यूनिट केजी होता है। ठीक है, अब देखते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल एन ओपन सिस्टम, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ओपन सिस्टम विच अलाउ टू ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी ओवर ए फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम। मान लीजिए कि ये एक वेसल है। ठीक है, एक रीजन है, इसको रीजन भी बोल सकते हैं, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम का एक अपना रीजन होता है, इसलिए इसके अंदर मास है। ठीक है, इसको हम लोग फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग इमेजिनरी और रियल दोनों ले सकते हैं, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, इसको रियल और इमेजिनरी दोनों ले सकते हैं, और इसमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, ये देखना है इसका रीजन है। इसके अंदर कुछ मास है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ मास है। ठीक है, तो इसको मतलब कंट्रोल वॉल्यूम क्यों कहते हैं, तो एन ओपन सिस्टम विच अलाउ टू ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, इसी मास एंड एनर्जी ओवर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। एन ओपन सिस्टम विच अलाउ टू ट्रांसफर एन ओपन सिस्टम विच अलाउ टू ट्रांसफर विच अलाउ टू ट्रांसफर बोथ मास एंड एनर्जी both mass and energy over a fixed volume। ये हमारा fixed volume है। ठीक है, over a fixed volume is called control volume, ठीक है। इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो ये है हमारा कंट्रोल मास एंड कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही।